टीवी न्यूज इंडस्ट्री में एबीपी नेटवर्क का फिर बजा डंका। सबसे सटीक खबरों को पहुंचाने वाले आपके पसंदीदा चैनल एबीपी न्यूज के तीन युवा पत्रकारों को 40 अंडर 40 में अवार्ड मिला। नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में अवार्ड समारोह। रिपोर्टर जैनेन्द्र कुमार, एंकर अवधेश मिश्र, न्यूज प्रोड्यूसर रश्मि निषाद को अवार्ड से नवाजा। खुदरा महंगाई दर जुलाई में घटकर 3.54% पर पहुंची। पिछले साल जुलाई महीने में 7.44 थी खुदरा महंगाई दर। 5 साल बाद आरबीआई के 4% के टारगेट से नीचे आई। देश का औद्योगिक उत्पादन जून के महीने में 4.2% बढ़ा। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल जून अवधि में औद्योगिक उत्पादन बढ़ोतरी 5.2% रही। माइनिंग और पावर सेक्टर्स का रहा अंचल। इटावा के नेशनल हाईवे 19 पर मची नारियल की लूट। हाईवे पर पलटी नारियल से लदी हुई गाड़ी। नारियल लूटते लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और चलिए तीव्र गति में आगे बढ़ते हुए राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको दिखाएं। चार राज्यों के चुनाव में एससी एसटी वोट को साधने के लिए कांग्रेस की आज बड़ी बैठक होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कोटे के अंदर कोटा तय करने का आदेश दिया है। केंद्र को घेरने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी। एससी एसटी आरक्षण में कोटे में कोटा के विरोध में है मायावती और चिराग पासवान। कांग्रेस को मिल सकता है अन्य दलों का समर्थन, लिहाजा इस मुद्दे को लपकना चाहती है कांग्रेस। एससी एसटी आरक्षण पर रुख साफ कर चुकी है मोदी सरकार। क्रीमी लेयर का नहीं होगा प्रावधान, कांग्रेस ने उठाए सवाल। सरकार ने बजट सत्र के दौरान संसद में क्यों नहीं सुलझाया ये मुद्दा। हिंडनबर्ग के नए खुलासे पर बोले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, देश के अंदर और बाहर है कई विरोधी ताकतें, भारत को अस्थिर करने की हो रही है साजिश। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बोले बीजेपी नेता गौरव वल्लभ, शेयर बाजार क्रैश करवाने की साजिश में लगे हिंडनबर्ग और कांग्रेस के लोग, लेकिन मार्केट ने दिखाई समझदारी, नहीं हुई शेयरों में गिरावट। हिंडनबर्ग के खुलासे पर सचिन पायलट ने सेबी जांच पर सवाल उठाए, जब सेबी चेयरपर्सन पर ही लगे हैं गंभीर आरोप तो बाहर कैसे आएगी सच्चाई। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों में से 6 पर ही लड़ सकती है समाजवादी पार्टी। उपचुनाव से पहले पार्टी ने नियुक्त किए 6 प्रभारी। शिवपाल सिंह यादव को अंबेडकर नगर की कटहरी सीट का जिम्मा दिया गया। यूपी में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी शुरू की। सभी 10 सीटों के लिए पार्टी ने नियुक्त कर दिए हैं पर्यवेक्षक। लोकसभा सांसदों को दी गई जिम्मेदारी और पुराने नेताओं पर भी जताया गया भरोसा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जल्द ऐलान संभव। तैयारियों का जायजा लेने चंडीगढ़ पहुंची है चुनाव आयोग की टीम। आला अधिकारियों और सियासी दलों के साथ समीक्षा बैठक। जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया आपकी रणनीति बनाने में जुटे। दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन हुआ। मनीष सिसोदिया आज एमसीडी में पार्टी के पार्षदों के साथ करेंगे बैठक। जनता का मूड जानने के लिए 14 अगस्त से शुरू करेंगे पैदल मार्च। पार्टी नेताओं ने कहा चुनावों में बीजेपी को रोकना आपका मकसद। केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल की ड्राफ्ट कॉपी को रोका। अब आम लोगों से सलाह मशवरा करेगी सरकार। 14 अक्टूबर तक लोग दे सकते हैं बिल पर अपनी राय। ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल की तैयारी फिर की जाएगी, इसकी ड्राफ्ट तैयार की जाएगी। बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने इसका विरोध किया। प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। यूपी में राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने बेरोजगारी को लेकर दिया विवादित बयान। सभी वर्गों को दे सकते हैं नौकरी, लेकिन जो लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश से आकर बसे हैं उन्हें नहीं मिलेगी नौकरी। शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाए। दक्षिण अफ्रीका के फ्रॉड और भगौड़े गुप्ता बंधुओं से मुलाकात की थी। संजय राउत के घर ठहरने पर भी उठाए सवाल। उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने संजय निरुपम पर किया पलटवार। आजकल सियासत छोड़कर जासूसी में लगे हैं निरुपम। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए झूठे नैरेटिव सेट कर रहे हैं संजय निरुपम। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने उद्धव ठाकरे गुट को दी फिर चेतावनी। अगर छेड़ेंगे तो घर में घुसकर मारेंगे। महाराष्ट्र यात्रा के दौरान राज ठाकरे के काफिले पर उद्धव समर्थकों ने हमला किया। एमएनएस नेता अविनाश जाधव ने धमकी दी, राज ठाकरे जल्द निकलेंगे विदर्भ के दौरे पर। अगर इस दौरान किया गया हमला तो बड़ा खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे उद्धव।
अजित पवार ने किया बड़ा दावा, राज्यसभा में जल्द मिलेगा पार्टी को नया सांसद। पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर है, दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अजित पवार को मिल सकती है एक सीट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अहमदाबाद दौरा, आज नगर निगम की तरफ से आयोजित हर घर तिरंगा अभियान में होंगे शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10 बजे अपने निवास से तिरंगा यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे सैकड़ों बाइक सवार। दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक की, नेशनल हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट पर चर्चा। रायपुर पहुंचे तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा ने उठाए सवाल, आजादी के समय वक्त बोर्ड के पास थी 4 लाख एकड़ जमीन, आज ये बढ़कर 9 लाख एकड़ कैसे हुई। छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायक मंतूराम पवार से जुड़ा चर्चित टेप कांड मामला 10 साल के बाद बंद। 2014 में कांग्रेस के प्रत्याशी थे मंतूराम, आखिरी समय में बीजेपी के समर्थन में हट गए थे चुनावी मैदान से। मध्य प्रदेश में अब संघ के नेताओं की लिखी किताबें पढ़ेंगे कॉलेज के छात्र, सर कार्यवाहक रहे सुरेश सोनी की 3 किताबें करिकुलम में शामिल की गई है, लिस्ट में कुल 88 किताबें शामिल। झारखंड से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने दी बड़े खतरे की चेतावनी, लगातार घट रही है आदिवासियों की आबादी, कहा जेएमएम को नहीं है चिंता, उसको सिर्फ वोट बैंक की परवाह। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने माफी मांगी, एक्स पर वीडियो जारी कर कोंकण और कोंकणी लोगों पर विवादित टिप्पणी की थी, शिवसेना और बीजेपी विधायकों ने दी थी सबक सिखाने की धमकी। जयपुर में कमांडो की पिटाई पर मंत्री राज्यवर्धन सिंह ने पुलिस को फटकार लगाई, थाने पहुंचे मंत्री ने कड़ी कार्रवाई करने की मांग की, 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर भी किया। राजस्थान में कमांडो की पिटाई मामले में नया मोड़ आ गया है, थाने के सब इंस्पेक्टर और आर्मी जवान के एक रिश्तेदार का ऑडियो सामने आया, आर्मी जवान के रिश्तेदार ने दी थी थाने के घेराव की धमकी। राजस्थान के कद्दावर नेता और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का दिल्ली में किया गया अंतिम संस्कार, राजस्थान के सीएम केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई नेताओं ने दी अंतिम विदाई। मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बीएमसी के खिलाफ हल्ला बोल, तालाबंदी करने पहुंचे ये यूथ कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता, पुलिस ने हिरासत में लिया। ओडिशा में जल्द सड़कों पर उतरेगी विपक्षी पार्टी बीजेडी, सरकार पर चुनावी वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया, 16 अगस्त से पूरे राज्य में जन अभियान चलाएगी बीजेडी। मध्य प्रदेश के सागर में जिले में दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। गुजरात के 17 जिलों में कई टीचर्स लापता, शिक्षा मंत्री बोले शिक्षकों की सैलरी रोकी गई, जांच रिपोर्ट का दिया हवाला, 31 टीचर्स बिना बताए छुट्टी पर, 32 शिक्षक गए हैं विदेश। अब आइए तीव्र गति से आपको दिखाते हैं बांग्लादेश से जुड़ी हुई कुछ बड़ी और अहम खबरें। मेघालय के सीएम कोर्नाड संगमा ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, बांग्लादेश से सटे सीमा के हालात पर समीक्षा हुई, सीमा पर जुटे हैं सैकड़ों बांग्लादेशी।